भारतीय विदेश नीति के चाणक्य एस जयशंकर जी से जब सवाल पूछा गया कि आखिर क्यों जब भी कश्मीर मुद्दे की बात आती है तो अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे देश उसमें अपनी नाक घुसाते हैं, इस पर एस जयशंकर जी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर शायद कश्मीर को भारत का हिस्सा ना मानने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा बनाया गया मुद्दा है, ये हम ही लोगों ने आर्टिकल 370 को इतने साल तक जीवित रखा, ये हमारी कमजोरी थी और जब भी कोई बड़ा देश कमजोर होता है तो दुनिया उसका फायदा उठाती है। लेकिन जब साल 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में संसद ने आर्टिकल 370 हटाने का निर्णय लिया, उस दिन से कश्मीर मुद्दे पर जिस खिड़की से दुनिया हस्तक्षेप करती थी वो खिड़की ही बंद हो गई। और कुछ दिनों पहले श्रीनगर में जो G20 समिट हुआ है उसे आप कम मत समझिए, ये तो बस एक टेस्ट था। आगे आगे आप देखते रहिए, हम कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाकर रहेंगे। गाइस, ये जवाब था एस जयशंकर का। ग्लोबल वार्मिंग जहां पूरी धरती पर विनाशकारी साबित हो रहा है, वहीं कुछ देशों को अब इसमें भी फायदा नजर आ रहा है, जिसमें से चीन सबसे आगे है, क्योंकि चीन हर फायदे में अपनी नाक घुसाता है। दरअसल बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक महासागर तेजी से पिघल रहा है, जिसकी वजह से वहां पर एक नया सागरी मार्ग तैयार हो रहा है, और अगर इस मार्ग से आर्कटिक महासागर के आसपास वाले देश व्यापार करने लगते हैं तो इससे उनका 30% फ्यूल और समय बचेगा। यही नहीं, ये एरिया तेल और नैसर्गिक संसाधनों से भरा पड़ा है, जिस पर अब चीन अपनी नजर गड़ाए हुए है, और इसी वजह से चीन ने आर्कटिक महासागर के आसपास ना होने के बावजूद भी खुद को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित कर दिया, जबकि ऐसा है नहीं, वो आर्कटिक महासागर के आसपास भी नहीं है। साथ ही चीन ने रशिया के साथ मिलकर $10 बिलियन इन्वेस्ट भी किए हैं, जिससे वो आर्कटिक महासागर में नया सागरी मार्ग बनाने वाला है, जिसे भविष्य में ट्रेड के लिए वो यूज करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो चीन को इससे $120 अरब का फायदा होगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि चीन इसमें नाक क्यों घुसा रहा है, पर इससे इंडिया को फायदा होगा या नुकसान कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते अगली वीडियो में। गाइस, अगर आप लोग भी ये सोचते हैं कि डायमंड कोयले से बनता है तो आप लोग शायद गलत हैं। चलो थोड़ा फैक्ट चेक कर लेते हैं। हम ये मानते हैं कि कोयला कार्बन से बनता है और डायमंड भी कार्बन से बनता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लोग ये कह दें कि डायमंड कोयले से बनाया जाता है या बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कोयला होता है वो अर्थ से 2 या 3 किलोमीटर नीचे पाया जाता है और उसके साथ कुछ मेटल की इंप्योरिटीज भी होती हैं, लेकिन डायमंड एक्चुअली अर्थ से 90 किलोमीटर नीचे बनता है, और ये तब बनता है जब कार्बन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पर कंप्रेस हो जाता है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड कोयला नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको कैसे लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।